राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल आज एक दिवसीय अमरावती दौरे पर पहुंचे। इस समय उन्होंने श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय के अमृत महोत्सव के समापन अवसर का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमल में लाई जा रही नई शिक्षा नीति के लागू हो जाने के बाद विद्यार्थियों को क्रेडिट मूल्यांकन के अनुसार पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे और इसमें एक समानता भी लाई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वसमावेशक व कौशल्य आधारित रहने से शिक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक घटक तक इस नीति की विशेषता व कार्यपद्धति की जानकारी पहुंचना आवश्यक है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल दौरान इसे लेकर एक पत्ता तक नहीं हिला, जिसकी वजह से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में 33 माह का समय पूरी तरह से व्यर्थ चला गया। परंतु अब विगत वर्ष ही अस्तित्व में आई राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को राज्य में लागू करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। नॉन टीचिंग दोन मोठ्या मागण्या आपण मान्य केल्या, त्या नॉन टीचिंग मधली एक मागणी अशी होती की त्यांना सातवा वेतन आयोग मिळाला तर 900 कोटी रुपये हे फायनान्स करून मान्य करून घेतले, त्याची कॅबिनेट डिसिजन झाला आणि सगळ्या महाराष्ट्रातल्या 17,000 नॉन टीचिंग स्टाफला सातवा वेतन आयोग हा 5 टप्प्यामध्ये मिळणार। पहिले 2 टप्पे लगेच मिळणार, नंतरचे 3 टप्प्यांचं त्याच्याशी बोलून टाइमटेबल ठरलंय, तरी ते मान्य केलं। अमरावती आगमन पश्चात श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के PDMC परिसर पहुंचते ही मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथ और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के आदमकद पुतले पर पुष्पचक्र अर्पित किया गया। इसके साथ ही राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत संत गाड़गे बाबा संदेश शिल्प को भेंट देकर कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा की स्मृतियों का अभिवादन किया। इस समय राज्यसभा सांसद अनिल बुंडे, पूर्व राज्य मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल तथा शिक्षक विधायक किरण सरनाइक सहित प्रकुलगुरु प्रसाद वाडेकर आदि उपस्थित थे। यहाँ पर राष्ट्रीय उच्चतर अभियान अंतर्गत आदिवासी विकास केंद्र की छात्राओं के हॉस्टल की इमारत का भूमि पूजन उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथों हुआ। अपने दौरे के तहत उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने अमरावती स्थित भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र का भी मुआयना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्पर्धा परीक्षाओं में महाराष्ट्र के विद्यार्थियों का प्रतिशत बढ़ाने हेतु यह केंद्र काफी उपयोगी साबित होगा और UPSC परीक्षाओं में महाराष्ट्र के युवाओं को बेहतरीन सफलता मिले, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा विविध तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन की पुरानी इमारत में भी मदद केंद्र शुरू किया जाने वाला है। इस अवसर पर सरकारी सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र व सरकारी ज्ञान विज्ञान संस्था की ओर से मंत्री चंद्रकांत पाटिल का भावपूर्ण स्वागत किया गया। दिल्ली मध्ये त्या जुन्या महाराष्ट्र सदन मध्ये रेग्युलर क्लासेस पण सुरू करावे, ऑल द वे दिल्लीतली फैकल्टी पुण्या मुंबईला कितीही मानधन दिलं तरी येत नाही, दिल्लीतल्या दिल्लीत ती येईल। पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर त्या आपल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना दिल्लीमध्ये जेवढा सपोर्ट करता येईल तेवढा करावा असं आपण निर्णय केला आहे। सगळी 6 च्या 6 प्री आय एस सेंटरला आपण 2-वे कम्युनिकेशनची व्हिडिओ सिस्टीम जवळून बरोबर आहे ना, 2-वे सिस्टीम कम्युनिकेशन सिस्टीमची व्हिडिओ सिस्टीम दिली आहे की ज्यामुळे वेगवेगळ्या शहरामधले चांगल्या फॅकल्टी त्या आपल्याला नुसतं मार्गदर्शन म्हणजे काय तर भाषण असं न करता 2-वे होईल, आपण त्यांना प्रश्न विचारू शकू, ते आपल्याला उत्तर देऊ शकतील। अपने इस दौरे के तहत राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथों यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त लोक विद्यापीठ अभ्यास केंद्र की इमारत का भी लोकार्पण किया गया। इस इमारत का लोकार्पण करते समय मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि यह लोक विद्यापीठ अमरावती के शिक्षा क्षेत्र में ज्ञान के नए द्वार खोलेगा और इसका क्षेत्र के विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। इस इमारत का लोकार्पण करने के साथ ही मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथों लोक विद्यापीठ परिसर में बरगद के पेड़ का वृक्षारोपण किया गया। गत रोज मुंबई के तिलक भवन स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोली की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस तथा अमरावती जिले के वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस अवसर पर राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि अमरावती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है और यहां से आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को निश्चित तौर पर जीत मिल सकती है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी के तहत अमरावती संसदीय सीट को कांग्रेस के हिस्से में दिया जाना चाहिए और इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को निश्चित तौर पर जीत हासिल होगी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सांसद संजय राउत के फोटो पर कालिक मलने के साथ ही चप्पले मारकर शिंदे गुट वाली शिवसेना के पदाधिकारी ने आज दोपहर राजकमल चौक पर जमकर नारेबाजी की और आंदोलन किया। इस आंदोलन की वजह से काफी देर के लिए यातायात भी बाधित हुआ था, साथ ही इस आंदोलन में चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना शिंदे गुट वाली शिवसेना की महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी काफी बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। गत रोज सांसद राउत ने पत्रकारों के सामने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे का नाम लिए जाते ही थूक दिया था, जिसकी वजह से शिंदे गुट वाली शिवसेना ने अपना संताप व्यक्त किया है।
आज यहां बोला कि पत्रकार परिषद में विश्व हिंदू परिषद के विदर्भ प्रदेश गौरक्षा प्रमुख विजय शर्मा द्वारा कहा गया कि अमरावती जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से रोजाना रात 20 से 25 वाहनों से कटाई हेतु गौवंश को तस्करी हेतु लाया जाता है, जिसके बारे में संबंधित क्षेत्रों के गौरक्षकों द्वारा रोजाना ही ग्रामीण पुलिस के कंट्रोल रूम को सूचना दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस इन वाहनों को पकड़ पाने में असफल साबित होती है। वहीं गौर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पुलिस द्वारा गौरक्षकों के साथ दमदाटी व मारपीट करने वाली भूमिका अपनाई जा रही है। विगत 1 जून को बेनोड़ा निवासी प्रसाद जलतारे नामक गौरक्षक को बेनोड़ा के थानेदार ने पुलिस थाने में ले आकर उसके साथ मारपीट की, क्योंकि प्रसाद जलतारे ने गौ तस्करी करने वाले वाहनों को रोकने के लिए सड़क किनारे रखे पुलिस के बैरिकेड को सड़क पर लाकर रखा था। गत रोज घोषित कक्षा 10वीं के बोर्ड नतीजे में कई आयाम उभर कर सामने आ रहे हैं। संभागीय स्तर पर 552 विद्यार्थियों ने गणित में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, साथ ही संस्कृत विषय में भी दर्जनों विद्यार्थियों को पूर्णांक मिलने की चर्चा है। वर्ष 2019 में अमरावती संभाग का नतीजा महज 72% था, वहीं 3 वर्ष में यह बढ़कर 92% से अधिक हो गया है। पता चला है कि सभी विषय में 20 मार्क इंटरनल हैं, जिन्हें देने का अधिकार शालाओं के पास होता है और अधिकांश शालाएं अपने विद्यार्थियों को 20 में से 18-19 अंक देती हैं। विद्यार्थियों के 100% अंक पाने के पीछे खेल व कला गुणों के ग्रेस मार्क का सहारा भी बताया गया है। रविनगर स्थित मेडप्लस नामक दवा बिक्री प्रतिष्ठान में 2 दिन पूर्व हुए हंगामे को लेकर अपनी ओर से स्पष्टीकरण जारी करते हुए अमरावती जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ मालानी द्वारा कहा गया कि संबंधित दवा प्रतिष्ठान में दवा व्यापार की नीतियों का उल्लंघन करते हुए व्यवसाय किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर एसोसिएशन के पदाधिकारी मेडप्लस स्टोर के संचालक से दवा व्यापार की नीतियों का उल्लंघन नहीं करने को लेकर निवेदन करने गए थे, लेकिन मेडप्लस के संचालक अमोल सार्वे ने बेवजह इस मामले को अलग स्वरूप देते हुए राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और एसोसिएशन के अधिकारियों पर झूठे आरोप लगाए, जबकि किसी ने भी वहां पर कोई हंगामा नहीं किया था। खंडेलवाल नगर में रहने वाले रमेश ताथोटे नामक बुजुर्ग व्यक्ति ने आज अपनी पत्नी के साथ शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए गुहार लगाई कि उनके इकलौते बेटे महेश ताथोटे की आकस्मिक मौत के मामले की सघन जांच की जाए और उनके बेटे को आत्महत्या हेतु प्रवृत्त करने के मामले में उसकी पत्नी व ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की अमरावती इकाई ने जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के प्रति आपत्तिजनक लेख लिखने वाले इंडिक टेल्स व हिंदू पोस्ट वेबसाइट पर पाबंदी लगाने के साथ ही लेखक पर कड़ी कार्रवाई तुरंत की जाए। गोड़ेगांव के नुकसान प्रभावित नागरिकों का दूसरे स्थान पर पुनर्वसन करने की मांग को लेकर आज सुनील पाटिल गावंडे के नेतृत्व में गांववासियों ने उपविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे की अध्यक्षता में आदिवासी विभाग में बाल मृत्यु टालने हेतु कोर कमेटी व मिशन मेलघाट की समीक्षा बैठक विभागीय आयुक्तालय में हुई। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर पांडे ने मेलघाट के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से तमाम सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। विश्व साइकिलिंग दिवस के उपलक्ष्य में आज अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन की ओर से सुबह 7 बजे भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। यह रैली जिला स्टेडियम से शुरू हुई तथा इसका उद्घाटन पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी तथा विभागीय उपायुक्त संजय पवार द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस रैली में पुलिस आयुक्त, राजस्व उपायुक्त, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सहित कई गणमान्यों ने हिस्सा लिया। संत निरंकारी मिशन की स्थानीय शाखा द्वारा आज सिटीलैंड व्यापारी संकुल के अनुराग क्रिएशन नामक प्रतिष्ठान में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 11:30 बजे से शुरू हुए इस रक्तदान शिविर में दोपहर बाद तक करीब 100 यूनिट रक्त संकलित हो चुका था। वहीं कल रविवार 4 जून को निरंकारी मिशन द्वारा रामपुरी कैंपस स्थित निरंकारी सत्संग भवन में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। नानगांवपेट की पंचतारांकित MIDC में प्रस्तावित मित्रा टेक्सटाइल पार्क को बडनेरा के रेलवे वैगन कोच फैक्ट्री कारखाने में अमरावती विभाग के युवक युवतियों को स्थायी तौर पर रोजगार मिले, इस हेतु अमरावती के सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय व शासकीय तंत्र निकेतन में विभिन्न पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं, इस आशय की मांग को लेकर युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा आज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल को ज्ञापन सौंपा गया। अपने पति की लंबी उम्र और पति का 7 जन्मों तक साथ मिलने की मंगल कामना करते हुए आज सुहागिनों द्वारा बड़े उत्साह एवं विधि विधान के साथ वट सावित्री का पर्व मनाया गया। इसके तहत शहर में अलग अलग स्थानों पर सुहागिन महिलाओं ने वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा की और बरगद के वृक्ष के चारों ओर पवित्र धागा बांधते हुए पूजा का विधान पूर्ण किया। माहेश्वरी समाज की ओर से आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि आगामी सोमवार 5 से बुधवार 7 जून तक रंगारी गली स्थित माहेश्वरी भवन में नानीबाई का मायरा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा प्रवक्ता के तौर पर श्रीधाम वृंदावन निवासी श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी महाराज उपस्थित रहेंगे और लगातार 3 दिनों तक भक्तराज नरसिंह मेहता जी के जीवन चरित्र की कथा सुनाएंगे और तीनों दिन अलग अलग झांकियों के साथ बताने जा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री ने अभी तक कम से कम 100 से ज्यादा कथाएं अभी तक वो कर चुके हैं। राम कथा, नानी बाई का मायरा, भगवत कथा, 100 से ज्यादा अभी तक उनकी हो चुकी है।
बडनेरा शहर के सिंधी कैंप स्थित महाकाली देवी संस्थान में 1 जून से श्री गुरु योगीराज महाराज सुंदरनाथ जी का 25वां वर्षीय महोत्सव खामगांव निवासी योगी महाराज निवृत्तिनाथ की मौजूदगी में मनाया जा रहा है। इस महोत्सव का समापन शनिवार 3 जून को विभिन्न धार्मिक विधानों के साथ शाम 7 बजे विधि विधान के साथ हुआ। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस निमित्त नागरिकों को योग का शास्त्रीय महत्व बताने एवं योग का प्रचार प्रसार करने हेतु स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के IKS सेंटर में 1 जून से 21 दिवसीय सामान्य योग अभ्यासक्रम प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। आज TCS आइकॉन परीक्षा केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग के पदों की लिखित परीक्षा थी, लेकिन यह परीक्षा 1 घंटा देरी से शुरू होने के कारण काफी गड़बड़ी मची और छात्रों ने परीक्षा केंद्र के बाहर आकर काफी उग्र प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी के बावजूद दूर दराज से छात्र अपने निर्धारित समय से पहले सिटीलैंड मार्केट स्थित TCS आइकॉन सेंटर पर पहुंच गए थे, लेकिन पहले से चल रही परीक्षा 1 घंटा देरी से छूटने और परीक्षा केंद्र पर धूप में खड़े छात्रों के लिए कोई सुविधा नहीं रहने से परीक्षा देने हेतु आए परीक्षार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महावितरण कंपनी के उड़न दस्ते ने बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 3 बिजली चोरों के खिलाफ बडनेरा पुलिस थाने में FIR दर्ज की है। बिजली चोरी में लिप्त आरोपी शरीफुद्दीन जननुद्दीन, निजामुद्दीन जननुद्दीन तथा शहजाद सत्तार खान के खिलाफ इलेक्ट्रिक विद्युत अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। शहर पुलिस आयुक्तालय में अपनी ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने वाले 2 पुलिसकर्मियों को शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इन दोनों पुलिसकर्मियों के नाम विशाल गजबीय व बालू भाकरे बताए गए हैं, जिसमें से विशाल गजबीय नागपुरी गेट थाने में वो बालू भाकरे गाड़गनगर पुलिस थाने में तैनात थे और विगत लंबे समय से बिना पूर्व सूचना दिए अनुपस्थित थे। शहर के 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में ताजा अथवा पुराने मामलों में फरार चल रहे आरोपी की पुलिस को सूचना देने पर CP रेड्डी ने पुरस्कार देने की घोषणा की है। इससे पहले तक ऐसा अवार्ड केवल पुलिस कर्मियों को प्राप्त होता था, वहीं अब आम नागरिकों के लिए भी यह पुरस्कार योजना शुरू की गई है। किसी भी आरोपी की जानकारी देने वाले आम व्यक्ति के नाम व पहचान को गुप्त रखा जाएगा। इसी कड़ी में 4 थाना क्षेत्रों में गंभीर मामलों में लिप्त अपराधियों पर MPDA के तहत कार्रवाई की जा रही है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसे अपराधियों की सूची भी तैयार है, जिसके बारे में जल्द ही घोषणा की जा सकती है। बडनेरा शहर के सिंधी कैंप परिसर में रहने वाले 30 वर्षीय रवि कुंडवानी नामक युवक ने आज सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसके आधार पर मामले की जाँच चल रही है। पठान चौक से चारखंभा की ओर जाने वाले रास्ते से गुजर रहे दुपहिया सवार को नागपुरी गेट पुलिस के पदक ने पीछा करते हुए पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद शेख अफजल शेख असगर नामक 32 वर्षीय आरोपी को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। शेख अफजल नामक युवक ने बडनेरा के चमन नगर में रहने वाली एक महिला से गांजे की खेप प्राप्त की थी, जिसे वह थोड़ा थोड़ा करते हुए अलग अलग लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा था। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती को अमरावती में ही रहने वाले यश दुबे नामक युवक ने मोबाइल पर मैसेज करते हुए देख लेने और बदनाम करने की धमकी दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने युवती की शिकायत पर यश दुबे के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के काटामला खेत परिसर स्थित खिराड़ी पुल के कुएं में एक अज्ञात व्यक्ति की सड़ी गली अवस्था में लाश बरामद हुई है। जानकारी मिलते ही बडनेरा पुलिस के दल ने लाश को कुएं से बाहर निकाला और घटनास्थल का पंचनामा करते हुए उसे शिनाख्त के लिए जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम घर में रखा गया है। ग्रामीण पुलिस विभाग के दरियापुर व खल्लार पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची व 35 वर्षीय विवाहित महिला के साथ दुराचार किए जाने की शिकायत संबंधित पुलिस थानों में दर्ज हुई है। दोनों थानों की पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रात्रिकालीन गश्त कर रहे पुलिस पथक के साथ गाली गलौज व हुज्जतबाजी करते हुए सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में नामजद किए गए 4 आरोपियों को स्थानीय अदालत ने दोषी करार देते हुए अलग अलग धाराओं के तहत 6 माह के सश्रम कारावास व 3,250 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। इन 4 आरोपियों ने वर्ष 2014 के दौरान रामपुरी कैंप परिसर में गश्त लगा रहे पुलिस पथक पर पत्थरबाजी करने के साथ ही उनके साथ हुज्जतबाजी भी की थी। विगत 2 जून को मोताला तहसील के गिरोली गांव में विद्युत आपूर्ति में रहने वाली तकनीकी गड़बड़ी को दूर करने के लिए महावितरण के वायरमैन सुरेश जाट ने खुद विद्युत पोल पर चढ़कर काम करने की बजाय लक्ष्मण चौहान नामक एक निजी व्यक्ति को विद्युत पोल पर चढ़ा दिया, जिसकी बिजली का जोरदार झटका लगने से मौत हो गई। यह जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक संजय गायकवाड़ मृतक व्यक्ति का शव लेकर महावितरण कार्यालय पहुंचे, जिससे महावितरण के बुलढाणा कार्यालय में अच्छा खासा हड़कंप मचा। इसके बाद मृतक लक्ष्मण चौहान के परिजनों को महावितरण के नियमानुसार 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देना मंजूर किया गया और अंतिम संस्कार हेतु तुरंत ही 20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की, जिसके बाद यह मामला शांत हुआ। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।